मैं अजमेर देसी विदेशी मद्रास संघ के प्रतिनिधियों की ओर से बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है और मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, और मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वे दो घोड़े की सवारी करना छोड़ दें, या तो स्वर्गीय गुरचरण सिंह छाबड़ा की समाधि पे फूल चढ़ाना छोड़ दें, नशाबंदी की बातें करना छोड़ दें, मद्य निषेध सेम पॉलिसी की बातें करना छोड़ दें, और या फिर अनाप शनाप शराब से पैसा कमाने की सोचें। लेकिन दोनों घोड़े की सवारी करना, दो घोड़े की सवारी करना, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। एक तरफ तो वो शराबबंदी की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब 10% अधिक शराब बेचना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टियाँ लगाई जाएगी, जबकि 10% पीने वाले हर साल नहीं बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हम 10% अधिक शराब उठा करके राजस्थान के जो 5-5 साल के बच्चे हैं उनको शराब पिलाना शुरू कर दें या नालियों में डोलें शराब, तो ये व्यावहारिक नहीं है। 10% का दबाव डालना, शराब उठाना, और क्यों उठानी पड़ेगी, तो मुख्यमंत्री से पूछिए कि आप राजस्थान में 10% पीने वाले बढ़ाते हैं क्या हर साल? जब नहीं बढ़ाते हैं तो आप किसी लाइसेंसी पे ये दबाव क्यों डाल रहे हैं कि आपको 10% अधिक माल उठाना पड़ेगा? अगर आप में इतनी नैतिकता है तो आप ये बोलिए कि जितना माल बिकता है उतना बेचिए, अधिक उठाने की जरूरत नहीं है। अधिक उठाते हैं तो 31 मार्च को 1 अप्रैल को जब्त कर लेते हैं, उसका भी पैसा नहीं लौटाते हैं, वो दारू भी नहीं लौटाते हैं, तो जो अधिक माल दुकानदार उठाएगा तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा, जबकि उसके डिस्पोजल के कोई नियम नहीं है कानून में। कानून में कहीं पेनल्टी लगाने का और कहीं टैक्स लगाने का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी एडिशनल SVF लिया जाता है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, जबकि एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान में, और कांग्रेस की दशा जो देश में हो रही है, तो अब मीडिया इतनी वास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी वास्ट है, तो अब तो जनहित में सही पॉलिसियाँ लाइए। जनता को मूर्ख बनाने की पॉलिसियाँ क्यों ला रहे हैं आप? जनता को भ्रमित करने की पॉलिसियों का एग्जीक्यूशन क्यों कर रहे हैं आप? आपको दिक्कत है तो हमसे बुला के पूछिए, हम बताते हैं कि पॉलिसी में क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, हम उसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन पैसा कमाने की आड़ में एक लूट और डकैती की पॉलिसी अपनाई जाए, ये सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आज ये सरकार ने जो शराब की आय है वो सरकार की मैक्सिमम आय है राजस्थान में, उसी आय से राज्य कर्मचारियों को तनख्वाहें दी जाती हैं, विकास के कार्य किए जाते हैं, कई कार्य किए जाते हैं। लेकिन सरकार जो शराब से आय अर्जित करना चाहती है, तो उस आय अर्जित करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें एक लूट और डकैती की पॉलिसी अपनाएं, और लूट और डकैती की पॉलिसी अपना करके अपने राजस्व को भरने का प्रयास करें। तो व्यावहारिक दृष्टि से जो इनकम सरकार को आनी चाहिए उसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उसके रास्ते हम सरकार को बताने के लिए तैयार हैं, उसकी नीतियां हम सरकार को बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी खराबी इस देश में क्या है कि यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो अधिकारियों की गलत और झूठी रिपोर्टों पे साइन कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जो अधिकारी रिपोर्ट दे रहा है वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के तहत सही है या नहीं है। अब प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का या तो मुख्यमंत्री को नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज है तो फिर ऐसी गलत नीतियों पे वो दस्तखत क्यों करते हैं जो व्यवहारिक नहीं है, जनता के हित में चलने लायक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये दोहरी नीति अपनाना, बहरूपिया नीति अपनाना, दो घोड़े की सवारी करना, क्या प्रजातंत्र के लिए शोभनीय है क्या? मुझे एक याद है कि यूरोपियन गवर्नमेंट का एक कोटेशन था कि गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑफ सोशल ईविल मे नॉट बी कॉल्ड एज ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ दैट कंट्री शुड बी अशेम्ड टू कॉल देमसेल्फ एज डेमोक्रेट्स। उस सरकार के प्रतिनिधियों को अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाने का अधिकार नहीं है जो दो नंबर की आय पे अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं। ये यूरोपियंस का कोटेशन था कि अगर दो नंबर की आय पे कोई सरकार अपने आप को चलाती है तो प्रजातांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकती है। तो मेरा यही मुख्यमंत्री से कहना है कि आपने आज शराब व्यापारियों को, शराब के निवेशकों को एक लूट का माध्यम बना रखा है, उस प्रथा को बदलें और व्यावहारिक बदलें। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि साहब शराब बिके, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब पुलिस को अधिकार दिए हैं,
जब कानून में आपने पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिए हैं कि वो सरकारी दुकानों में नहीं जाएगी, और फिर आप इस पुलिस को कह रहे हैं कि आप इनके सरकारी दुकानों की चेकिंग कीजिए। अरे सरकारी दुकानों की चेकिंग क्यों? पुलिस को ये बोलिए कि जो गाड़ियां उनके थानों से गुजर रही हैं दो नंबर की हरियाणा के माल की, तो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? पुलिस अवैध शराब वालों को तो नहीं पकड़ रही है? मुख्यमंत्री जी उनको कह रहे हैं कि साहब जो सरकारी दुकानें जो बेच रहे हैं, सरकार को राजस्व दे रहे हैं, उन दुकानदारों को परेशान करो। हमने ये डिसीजन लिया है कि अगर मुख्यमंत्री जी शराब के दुकानदारों की लूट को बंद नहीं करेंगे, व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, तो हम सारे राजस्थान के दुकानदार दुकानें बंद करके मुख्यमंत्री को चाबियां सौंप देंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं चला ले दुकानें, स्वयं पकड़वा ले जितना कमाना है। आपका नाम? अशोक मटाई, एडवोकेट, नोटरी पब्लिक। वर्तमान में राजस्थान सरकार व आबकारी विभाग के शराब व्यवसायियों के खिलाफ अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण परेशान होकर हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। उन परेशानियों में कुछ बिंदुओं में आपको गिनाना चाहूँगा। सबसे बड़ी परेशानी, जब इस वित्तीय वर्ष का शुभारंभ होता है जिसे लेकर लाखों लोग लॉटरी का जुआ खेलते हैं, उस वित्तीय वर्ष में पॉलिसी निर्धारण होता है, उस पॉलिसी निर्धारण में हमारी मुनाफा जो है उसकी दरें निश्चित की जाती है, उसका परसेंटेज फिक्स किया जाता है जो 20 से 22% है। वर्तमान में हमारा मुनाफा केवल 8 से 10% है। सबसे बड़ा नुकसान ये। दूसरा सबसे बड़ा कारण, सरकार द्वारा आए दिन पुलिस का अनावश्यक इंटरफेरेंस हमारी दुकानों पे होता है, जबकि एकमात्र ऐसा विभाग है आबकारी विभाग जिसके माध्यम से सर्वाधिक राजस्व अर्जन राजस्थान सरकार को होता है, और माननीय गहलोत साहब अपने आने के बाद में पाँच बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, 5 बार दरों का निर्धारण जो है उसको मैं बढ़ोतरी कर चुके हैं। इस तरह बार बार बढ़ोतरी करने से हमें राजस्व अर्जन में दिक्कत आती है, हमें जो टारगेट विभाग द्वारा दिया जाता है उसे अर्जन करने में दिक्कत आती है, ये एक बड़ा कारण है। हम कुछ दिनों पहले हमारा एक्सिस्ट मंडल माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मिला, उस बाबत ये अवगत कराया। दूसरा हमारा बिंदु है कि अनावश्यक बिना वास्तविक जानकारी के वास्तविक बिक्री के हर वित्तीय वर्ष में हर दुकान की 10 से 15% गारंटी बढ़ा दी जाती है, भले वहाँ बिक्री उससे 20 से 25% कम हो रही हो, बिना वास्तविक जानकारी के 10 से 15% वहाँ की बिक्री गारंटी बढ़ा देना, अनावश्यक पुलिस का हस्तक्षेप करना, और विभाग द्वारा अभी अभियान के दौरान हमें नाजायज रूप से परेशान करने के लिए अनावश्यक चालान किए गए। हमें सभी लाइसेंसों में भय व्याप्त है कि हमारी दुकानें निरस्त हो जाएगी, जबकि हम नियमों से दुकानों का संचालन कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो मांगे हैं जायज उनकी, सबसे पहले पॉलिसी निर्धारण में जो हमें हमारा मुनाफा का प्रतिशत है 20 से 22% वो किया जाए, पुलिस का अनावश्यक इंटरफेयर इसमें कम किया जाए क्योंकि विभाग की अपनी एक पुलिस है, बिना वास्तविक बिक्री की जानकारी के अनावश्यक 10 से 12% 15% बिक्री बिना वास्तविक बिक्री के आप प्रतिशत बढ़ा देते हैं, वो गलत है। दूसरा, सरकार ने एक अनावश्यक युवाओं को जुआ खिलाने का काम कर रहे हैं जिससे लाखों परिवार आज कर्जे के बोझ तले दबे हैं, हर वर्ष लॉटरी करते हैं, लॉटरी में जुआ खेलते हैं और प्रतिवर्ष लाखों परिवार अपनी फाइनेंशियल स्थिति खराब कर रहे हैं। मेरा निवेदन है इस व्यवस्था को हटाया जाए और कोई माकूल व्यवस्था की जाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण, विभाग की अपनी पुलिस है, वो सिर्फ कार्रवाई करे, और हमारी ये मांगे जो है हमारे अनावश्यक चालान जो किए हैं उन पर रोका जाए, हमारी निर्धारित जो MRP है उसको लागू किया जाए, हमारा मुनाफा है उसे निश्चित किया जाए जो पॉलिसी में निर्धारित है, पुलिस का इंटरफेयर बंद करने के साथ ही अगर इन सब मांगों को हमारा नहीं माना गया तो अभी तो हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगला हमारा जो स्टेप होगा कि हम सब हमारे जो अंग्रेजी में देसी के गोदाम है जहाँ से शराब का उठान करते हैं, जहाँ से राजस्व अर्जित गवर्नमेंट को होता है, वो बंद करेंगे पूर्णतः। दूसरा, उसके बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर हम संबंधित लाइसेंसी अजमेर जिले के जो देसी अंग्रेजी व ग्रामीण समूह सभी यहाँ सम्मिलित हैं, सभी सम्मिलित रूप से अपनी चाबियाँ लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर उन्हें सौंपेंगे कि आप इन्हें इनका संचालन करें। आज हमने एक दिन के लिए पूर्णतः शहर में और ग्रामीण में देसी अंग्रेजी सभी दुकानों का हमने बंद किया है, और अगला स्टेप जो मैंने आपको बताया उस पर हम रहेंगे, हमारी ये मीटिंग यथावत रहेगी, और आज हम यहाँ से निकलकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को और हमारे कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे, इन मांगों के मांगने के लिए 3 दिन का उन्हें समय देंगे, 3 दिन का समय में अगर इन मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो अगला कदम हमारा
शराब उठान नहीं करेंगे और चाबियां मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। ठेकेबंदी रखोगे उसके बाद? उसके बाद अगला स्टेप ये हो सकता है कि ठेके पूर्णतः बंद किए जाए। हेम सिंह टाक ठेकेदार तो नहीं कहूँगा, ठगेदार हो गया है, ठेकेदार नहीं हूँ, ठगदार हूँ और भुगत भोगी हूँ।